हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम रुकमणी पब्लिकेशन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की प्रस्तुतकर्ताएं। दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। इन्होंने बताया था, दो वस्तुओं या पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लो हमारे ये दो पिंड हैं, एक M1 दूसरा M2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा? इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती होगा M1 × M2 के, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को जब हम मिला के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? F समानुपाती M1 × M2/R2। दोस्तों, जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तब हमारा आ जाएगा G एक कांस्टेंट आ जाएगा M1 × M2/R2। इस कैपिटल जी को ही हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नेतांक, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसकी वैल्यू भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 6.667 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर / किलोग्राम स्क्वायर। तो आप इसके मात्रक और इसकी वैल्यू को ज़रूर ध्यान रखें, तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और आप इसके नाम को ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो इसे भी पूछ लेते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कैपलर। तो कैपलर ने ग्रहों के गतों के नियमों को खोजा था, आप इसको ध्यान रखेंगे। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, आप ये भी ध्यान रखेंगे। और जो कॉपरनिकस थे, तो इन्होंने ग्रहों की गति की खोज की थी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको सामने निकल सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, आप सारे पॉइंट को अच्छे से समझें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, F=G(M1)×M2/R2। तो यहाँ बल की बात करी जा रही, तो बल समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, यानी आर बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें क्या दिया गया है? दूरी को दोगुना कर रहे हैं, तो दूरी को वर्ग का दोगुना हो रहा है, तो बल कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/4, यानी कि दोगुना हो रहा है, तो इसका वर्ग होगा 1/2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि तो क्यों भिन्न होता है? तो भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान बहुत कम और भार, या भार होना चाहिए, भार में अधिक परिवर्तन होता है। तो आप सब जानते हैं, द्रव्यमान को हम कहीं भी ले जाएं, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन भार का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें क्या मिल जाता है? भार मिल जाता है। आप सब जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान जगहों पर निर्भर करता है, मतलब ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। इसी तरीके से पृथ्वी पर जी होता है और चंद्रमा पर जाने पर G/6 हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तथा तब अधिक होता हो जाता है जब लिफ्ट, तो भार अधिक कब हो जाता है? वो दोस्तों अलग अलग तरह की स्थिति है। सबसे पहली स्थिति है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है एक समान त्वरण से, तब कितना हो जाता है हमारा भार? MG+A। तो इस स्थिति में क्या होगा? भार अधिक मालूम देगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर अगली स्थिति क्या हो सकती है?
अगर एक समांतराल से लिफ्ट नीचे की ओर आए तो हमारा भार कितना हो जाएगा, एम जी माइनस ए। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा हो कि लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग से जा रही हो तब कितना होगा हमारा भार, तब एम जी और ए का मान कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, जब रस्सी टूट जाती है तो आप ध्यान रखेंगे भारहीनता की स्थिति आ जाती है, यानी लिफ्ट के बैठा हुआ अंदर जो भी व्यक्ति बैठा होगा उसका भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारहीनता की स्थिति कब आती है, जब लिफ्ट की में जो रस्सी बंधी होती है वह टूट जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोल पीपे या बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, तो क्यों होता है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लौटने घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो आप सब जानते हैं अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, एक क्या है इस तरह की वर्गाकार है और दूसरी क्या है हमारी बेलनाकार है, तो आप किसे आसानी से ले जा सकते हैं, तो आप बेलनाकार चीज़ को आसानी ले जा सकते हैं। इसको खींचने में आपको दिक्कत आई क्योंकि फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा लगेगा, तो इसमें लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और इसमें रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको ध्यान रखना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, यानी घर्षण बल, जब संपर्क में रखी दो वस्तुएँ एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसकी गति जो बल की गति की दिशा के विपरीत होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना, तो ये परिघटना किसकी है, जड़त के गुण को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो ये बता रहा है एक गिलास है और इसके ऊपर कोई गत्ता वगैरह रखा है और गत्ते पे मान लो कोई इस तरह का एक पिंड रखा है। अब क्या करें, आप गत्ते को एकदम अचानक खींच लेते हैं तब क्या होता है, तब ये इसके नीचे गिर जाता है क्योंकि एकदम ये अपनी स्थिति क्या करता है, बनाए रखना चाहता है। तो न्यूटन का पहला नियम यही था कि कोई भी वस्तु अपनी जो स्थिति उसकी इनिशियल स्थिति है, इनिशियल पोजीशन है, उसे बनाए रखना चाहती है। अगर वो गति कर रही है तो वो गति में रहना चाहती है और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है। तो यही क्या था, न्यूटन का पहला नियम। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर बनाए रखने की हेतु आवश्यक कार्य। दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाता 1 मीटर ऊंचाई जाने में किया गया कार्य, तब आप फॉर्मूला लगा देते W बराबर mgh और आपका मात्रक, आपका आंसर आ जाता 200 जूल। m का मान 220 रखते और इसका 1 मीटर रखते और g का 10 रखते। लेकिन इसमें क्या है, 1 मीटर ऊंचाई बनाई रखने, मतलब क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, विस्थापन शून्य हो रहा है, यहाँ कोई विस्थापन नहीं हो रहा, मतलब दूरी बनाए रखने के लिए बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ हमारा कौन सा आंसर होगा, शून्य कार्य होगा क्योंकि यहाँ विस्थापन क्या है, शून्य। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कार्य बराबर होता है हमारा W बराबर FD cos थीटा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा कार्य कब ज़ीरो होगा, आपको ध्यान रखना है, या तो वस्तु लंबवत चले, मतलब बल लगाएं किसी इस दिशा में और वस्तु चले इस दिशा में, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा उस स्थिति में, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ज़ीरो। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ज़ीरो। और दूसरी स्थिति ये, अगर कार्य हमारा क्या होगा, कोई विस्थापन ही नहीं कर रहा है, तो हम कितना भी बल लगा रहे हैं, मान लो हम दीवार पर कोई बल लगा रहे हैं, कितना भी बल लगाएं दीवार विस्थापित नहीं हो रही, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो इस स्थिति में कार्य शून्य होता है। एक स्थिति और आती है, अगर हम किसी, मतलब प्रत्येक पथ पर हम गति कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, विस्थापन शून्य हो रहा है, इसमें भी हमारा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग स्थिति पर पूछा गया है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों, गतिज ऊर्जा आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा क्या होती है, किसी कार्य को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं,
गतिज ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती गतिज ऊर्जा, दूसरी होती हमारी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण आई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण आई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आपसे इसमें पूछा गया है, उसका पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका वेग क्या हो रहा है, दोगुना। दोगुना होने पर काइनेटिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसे कितने कर देंगे, दो दुनी चार बी स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, चार गुनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पत्थर पदार्थ इधर उधर झूल दोलन कर रहा है, तो पदार्थ को तो आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मान लो ये कोई है पदार्थ जिस तरह से बंधा हुआ है, या पिंड पहले इधर जाएगा, फिर ये मेन पोजीशन पर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा। तो इसे माध्य स्थिति में आपको ध्यान रखना है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि यहाँ पर एच, अगर एच 200 जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका फार्मूला होता है हमारा एम जी एच। कहीं भी आपको ये एच जीरो देखे तो समझ लो स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिंड ने कोई भी दूरी नहीं तय की है, इसलिए हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन यहाँ पर वेग क्या होगा, मैक्सिमम होगा, गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम होगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, दोस्तों तैरने के लिए एक कंडीशन होती है, अगर मान लो इसमें कोई द्रव भरा है और इसमें कोई वस्तु है, अगर द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से ज़्यादा है तो क्या करेगी, वस्तु तैरेगी, और अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा है और द्रव का कम है तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें इस्पात की गेंद पारे में तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब होते हुए भी हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि, तो क्यों नहीं कर पाते, आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त दाब वायुमंडल के दाब से अधिक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वो जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट कैसा होता है, तो कैसा होता है, एक समान रहता है। तो अपथ्रस्ट यानी उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर वी जी रो जी। तो वी जी क्या, पदार्थ द्वारा हटाए गए जल का आयतन होता है, और रो क्या है, घनत्व होता है, और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। आप देख सकते हैं इसमें मतलब ऊंचाई, मतलब जो गहराई है उसमें, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, उत्प्लावन बल कैसा होगा, एक समान रहेगा। यहाँ पर एच का कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है आपको, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वो मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण है ध्रुवों द्वारा, तो ध्रुवों द्वारा इसका कारण क्या होता है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये किस कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल दो तरह के बल होते हैं, एक होता है ससंजक बल, दूसरा होता है असंजक बल। दूसरा कौन सा होता है, असंजक बल। ससंजक बल एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल, और अलग अलग पदार्थ के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पारे की दो बूंदों में कौन सा बल लग रहा है, ससंजक बल, क्योंकि एक भी पदार्थ के कणों के मध्य लग रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वो पतली परत के रूप में फैल जाती है, जबकि पारा डालने पर वो गोली बूंद के रूप में बना रहता है, इसका कारण ये है। तो इसका कारण भी क्या है, कांच के साथ पारे का असंजन यानी एडहेसन, अलग अलग अणुओं के मध्य लगने
अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, असंजक बल, की अपेक्षा जल का ससंजक बल कोहेसन अधिक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें, ससंजक और असंजक बल यानी एडहेसन और कोहेसन फोर्स को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, जल की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक है, तो इसमें गलत दे रखा है, आप ध्यान रखेंगे इसको। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जल भरे बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा, आपको बताना है। तो क्या होगा, पूर्ववत बना रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये किसी भी जल में जब हम बर्फ़ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो अगर हम गर्म 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 करेंगे तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब जल 80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक गर्म किया जाए, तो आपको बताना क्या होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर हम मतलब किसी भी जल को 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब क्या होता है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, आयतन बढ़ने लगेगा। तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी यानी कि घनत्व अधिकतम होगा, उसके बाद घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, 8 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है, मतलब ये वाला बढ़ती दे रखा है, तो इसमें उल्टा हो रहा है। अब 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर क्या होगा, आयतन घटेगा। तो 8 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, आयतन घटने लगेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से के बाद क्या होगा, आयतन बढ़ने लगेगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है तब क्या है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपकी को क्लियर हुआ होगा। तो आपको एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ दोस्तों, कोई भी हमारा द्रव्य है तो मान लो उसे हम गर्म कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा, और डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम, उसके बाद घनत्व घटने लगेगा और आयतन बढ़ने लगेगा। बस आपको यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। अगर मान लो उल्टा हो रहा है, अब इसी क्वेश्चन की बात करें, 8 डिग्री सेल्सियस पर से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, आयतन क्या होगा, पहले घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऊपर जाएंगे तो क्या, मतलब नीचे आएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ने लगेगा। बस आपसे इतना सा पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो आप इसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये था फिजिक्स का पार्ट नंबर 1। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, और जो मैंने कॉन्सेप्ट की आपको बातें बताएं, एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं, वो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो ये इसका पहला लेक्चर है दोस्तों, इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर सीरीज़ हेल्प करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।